Hi guys, so my name is Shubham Keswani and I recently qualified as a chartered accountant with an All India Rank 8. मेरी सीए इंटरमीडिएट में भी ऑल इंडिया रैंक 29 आई थी एंड थ्रू आउट दिस होल सीए सिलेबस जब भी मैंने अपनी प्रिपरेशन करी मैं एक चीज को हमेशा देखता था कि जो बच्चे ये कोर्स को क्लियर नहीं कर पाते वो क्यों क्लियर नहीं कर पाते, मतलब why the pass percentage is so low in this course, मतलब जो लोग क्लियर करते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करते हैं, ठीक है। जब वो अपने एग्जाम देके आते हैं तो उनके अंदर एक आंखों में चमक होती है कि अब तो यार ये एग्जाम जो हमने दिया ये निकल ही जाएगा, इस कोर्स को तो हम क्लियर कर ही लेंगे, सीए की डिग्री को हम पा ही लेंगे। फिर भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोर्स को क्लियर नहीं कर पाते, उनको ये कोर्स काफी डिफिकल्ट लगता है। तो व्हाट आर द टू मेन रीजंस जो मुझे निकल के आए हैं, यानी मैंने कई सारे बच्चों से बात करी जिनका क्लियर नहीं हो पाया, कई सारे इंटरव्यूज देखे और ये दो मेन रीजन निकल के आए जिनके बारे में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बट मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं अपनी पूरी दिल से आपके साथ सच्ची बात करने वाला हूं तो आप भी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, हम कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, जो होगी मुद्दे की बात होगी और आपको सुन के मजा भी आएगा। तो व्हाट आर द टू मेन रीजंस, दो मेन रीजंस क्या है जिस वजह से ओनली 10 टू 15% स्टूडेंट्स क्लियर द सीए एग्जाम्स और बाकी लोग नहीं कर पाते। तो मैं कहूंगा पहला रीजन है शॉर्टकट, जो मोस्टली सीए स्टूडेंट्स हैं दे लुक फॉर शॉर्टकट्स, उनको सीए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए शॉर्टकट्स चाहिए। सर किस तरह के शॉर्टकट, पहली चीज दे लुक फॉर यूट्यूब, वो यूट्यूब पे आते ही इस चीज के लिए कि उनको हर सब्जेक्ट के लिए एबीसी एनालिसिस मिल जाए, दे रन आफ्टर एबीसी एनालिसिस, सबको एबीसी एनालिसिस चाहिए कि भाई हमें ए कैटेगरी चैप्टर बता दो, बी कैटेगरी चैप्टर बता दो, सी को हम छोड़ जाएंगे। तो मैं एक बात बताऊं, एबीसी एनालिसिस में कोई बुराई नहीं है, बट अगर ए कैटेगरी चैप्टर बी कैटेगरी चैप्टर आपको पता चल चुका है तो यार कम से कम उसमें तो कंजूसी मत करो, उसको तो कम से कम पूरा कवर करो। आप तो पता है क्या करते हैं कई सारे बच्चे, ए कैटेगरी में भी ना बोलते हैं ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है, ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है और ये सी कैटेगरी क्वेश्चन है। जब आपको पता चल गया ए कैटेगरी चैप्टर है तो वो पूरा का पूरा चैप्टर ए कैटेगरी है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर कोई बी कैटेगरी चैप्टर है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी कुछ भी आ सकता है। तो जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी चैप्टर करके जा रहे हो कम से कम उनको तो अच्छे से करो, उसमें तो कंजूसी मत करो मेरे दोस्त। तो मैं कहूंगा आपको जब पता चल जाता है ना कैटेगरी ए चैप्टर क्या है कैटेगरी बी चैप्टर क्या है तो उसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी होती, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो तो उसको शॉर्टकट बोलते हैं और वो आपके लिए सही नहीं है। दूसरी चीज, देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम्स स्पेशली इन प्रैक्टिकल पेपर। आपको याद है हम जब स्कूल में होते तो हमें कितने असाइनमेंट्स मिलते थे, यानी टीचर जब क्लास में कोई चीज पढ़ाती थी उसके बाद हमको होमवर्क देती थी, अगले दिन फिर हमारा होमवर्क चेक करती थी, उसके बाद साइकिल टेस्ट होते थे, हर वीकली टेस्ट होते थे, असाइनमेंट्स मिलते थे, उसके बाद हमारे टर्मिनल से पहले यूनिट टेस्ट रहते थे एंड टर्मिनल्स में भी फिर टेस्ट होते थे, तो ये सारे टेस्ट होते थे बिफोर अवर फाइनल एग्जाम। तो मैं एक बात बोलूं, ये सब चीजें क्यों होती थी, सर ये चीजें इसलिए की जाती थी ताकि हमारी रिटर्न प्रैक्टिस हो सके, हम अपने हाथ से चीजें सॉल्व कर सके ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ सके, हमारी ग्रिप बन सके ओवर द कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज आपको करनी जरूरी है, अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपका माइंड और हाथ का जो मेल है वो बैठेगा कैसे, फिर आप एग्जाम में पक्की बात कंफ्यूज होने वाले हो। तो कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, हमने कोर्स पूरा कवर किया था बट एग्जाम में हाथ नहीं चले, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो गई। तो मेन रीजन बिहाइंड दैट इज लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, जब तक आप चीजों को लिख के नहीं करोगे तो चीजें आपको रिकलेक्ट ही कैसे होंगी, और रिकलेक्ट नहीं होंगी तो फिर आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे और फिर एग्जाम में हो जाता है डब्बा गोल। तो ठीक है, आंखें बंद तो डब्बा गोल, तो ये हो जाता है। अगली चीज इसी से रिलेटेड, नो मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो यार तुम लोग, आईसीआई क्या पागल है, मतलब सीरियसली बताओ आईसीआई क्या पागल है जो मॉक टेस्ट लेती है। नहीं सर, आईसीआई चाहती है कि बच्चे पेपर क्लियर करें तभी तो मॉक टेस्ट लेती है, फ्री में मॉक टेस्ट देती है अपने उस पे पोर्टल पे, फिर भी आप जाके मॉक टेस्ट नहीं लिखते। सर मॉक टेस्ट लिखने के लिए टाइम लगता है, तो दो ना टाइम यार, क्यों चाहते हो कि सीधा हमें एग्जाम में ही जाके हमें सीधा अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। मॉक टेस्ट देके भी तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल सकता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप मॉक टेस्ट में पास हो गए या मॉक टेस्ट में फेल हो गए। पास हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अल्टीमेटली योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम विल इंप्रूव। और मान लो मॉक टेस्ट में फेल हो गए तो उसके बाद भी दो चीजें कर सकते हो, या तो मॉक टेस्ट आपने नियर द एग्जाम्स लिखा तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब आप अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकते हो थोड़ी बहुत वो करके आप एग्जाम लिख के आ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर आपको लगता है आपको रिस्क लेनी है तो लिख के आओ, पर अगर आपको लगता है नहीं, आपने जो मॉक टेस्ट दिया लगभग 1 और 1.5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम दिया, अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना है अपनी तैयारी को सुधारने का, तो मैं कहता हूँ वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, आपको पता चल जाता है आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को आप पूरा कर लेते हो इवन बिफोर अपियरिंग फॉर द आईसीआई एग्जाम। एंड मैं ये बात बताऊं,
मैंने अपने हर पेपर के लिए एटलीस्ट एट सीए फाइनल लेवल कम से कम दो दो मॉक टेस्ट दिए थे। और ये जो दो दो मॉक टेस्ट दिए थे, ऐसा नहीं था मैंने सिर्फ पेपर से एक दिन पहले मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैंने कहा बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ऐसी गलती तुमने बिल्कुल भी नहीं करनी। कम से कम अगर मेरे पेपर नवंबर मिड में है ना, तो मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट सितंबर में देने शुरू कर दिए थे। सितंबर में आई स्टार्टेड राइटिंग विद माय मॉक टेस्ट। सर क्या इतनी जल्दी आपका फर्स्ट टाइम हो गया था? मैं कहूंगा फर्स्ट टाइम सिलेबस करना बहुत इजी हो जाता है अगर तुम ठीक से कवर करो, एंड उसके बाद जब सेकंड टाइम कवर करते हो तब मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो जब यू आर कंप्लीटिंग योर सेकंड टाइम द रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तब आपने मॉक टेस्ट देना चाहिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। तो एटलीस्ट गिव द आईसीआई मॉक्स विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, प्लस उनको आप सेल्फ इवेल्युएट करो। सेल्फ इवेल्युएट यानी जो आंसर आपने लिखा है और जो आईसीआई ने आंसर दिया, दोनों को कंपेयर करो और फिर देखो आप कहां पे लैग कर रहे हो। जहां पे लैग कर रहे हो वहां पे इंप्रूव करो, अल्टीमेटली पास हो ही जाओगे, ठीक है सर। अगली चीज लिमिटेड रिवीजन। आप मैंने देखा कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, काफी लिमिटेड रिवीजन करते हैं, वो एक एक रिवीजन दो दो रिवीजन करके पेपर देने चले जाते हैं। तो आपको ना थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। देखो फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आप सारी चीजें कवर कर सकते हो, बट सेकंड टाइम आते आते ना आपको चीजें थोड़ी कम करनी पड़ती हैं, आपको थोड़ा ना स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। यार ये चीज बहुत आसान है, इसको बार बार देख के कोई फायदा नहीं, प्लस इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या ये रियली वर्थ है इस पे ज्यादा टाइम लगाना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, तो आपने प्रॉपर एकदम फास्ट कंसाइज रिविजन्स करनी है। आपको अपने नोट्स बनाने लेने चाहिए ताकि आप जो रिविजन है उसकी इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सको और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिवली रिवाइज कर सको। तो आप कैसे कैसे रिविजन्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो? मतलब मैंने इन चीजों को फॉलो करके ना मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। एक तो मेरे दोस्तों की मदद से, मतलब जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना मोनोटोनस सब्जेक्ट, कौन से होते दो मोनोटोनस सब्जेक्ट? ऑडिट और लॉ। तो मैं कहूंगा ऑडिट और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करो। आप उनके साथ ना टाइम सेट कर लो कि शाम के 5:30 से 7 बजे हम दोनों की कॉल होगी, ठीक है, शाम को 5:30 से 7 बजे तक हम दोनों की कॉल होगी, या 5:30 से 6:30 हम दोनों की कॉल होगी। और रोज उनके साथ ना एक दो टॉपिक्स ऑडिट लॉ के डिसाइड कर लो और वो एक दो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उनको एकदम ए टू जेड बढ़िया तरीके से पढ़ो और फिर अपने दोस्त को कॉल लगाओ। और आप और आपका दोस्त फिर जो भी आपने चैप्टर कवर किया उसकी हेडिंग बोलो, अंदर के पॉइंट्स साइमल्टेनियसली अपने साथ एक दूसरे के साथ बोलते चले जाओ, तो उससे आपको और मजा आएगा और आपकी दोस्ती भी ना और गहरी होती जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मैं तो करता था, मुझे बड़ा मजा आया, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इट हेल्प्ड मी अ लॉट। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कई बार जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऑडिट एंड लॉ, इनमें ना एमसीक्यूज का रोल बहुत होता है, तो आप क्या करा करो जो भी चैप्टर आपका हो जाता है तो फॉर दैट यू कैन यूज एप्स लाइक एड गेम्स, ठीक है, तो उसका लिंक वगैरह मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये भी हमारे किसी सीए फ्रेंड ने ही डेवलप करी है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी चैप्टर कर लेते हो उसको आपको टेस्ट करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो आप इसमें ना एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर सकते हो और एमसीक्यूज सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर की आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो क्या कर सकते हो, कोई चैप्टर हो गया उसके बैक क्वेश्चंस कर लो, प्लस उसका स्कैनर कर लो, यानी जो भी पास्ट क्वेश्चंस वगैरह थे, फिर उसके एमसीक्यूज वगैरह एक बार निकाल के देख लो और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहां चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगले चैप्टर पे मूव ऑन कर दो। और लग रहा है नहीं यार थोड़ी कमी है इसमें और इंप्रूव करने की जरूरत है, वापस उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, तो ऑटोमेटिकली बिना आईसीआई का एग्जाम दिए आप अपनी घर तैयारी घर बैठे इवेल्युएट कर सकते हो और रिविजन तो रिविजन हो ही जाती है, एमसीक्यू के थ्रू आपके रिविजन वगैरह भी हो जाती है। अगली चीज हेल्प ऑफ पेरेंट्स। मुझे अभी भी याद है क्लास 7th 8th में जब हिस्ट्री वगैरह होती थी ज्योग्राफी वगैरह होती थी, मैं पता क्या करता था अपनी किताब मम्मी को दे देता था, मैं बोलता था मेरे से सवाल पूछो, ठीक है, तो जब सामने वाला सवाल पूछता है ना और उसके बाद जब आप जवाब देते हो, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है हमको सब कुछ आता है, ठीक है, हमें लगता है हमको सब कुछ आता है पर आता कुछ नहीं होता। जब सामने वाला सवाल पूछता है ना तब एक्चुअली माइंड काम करता है और वो सोचता है अरे यार इसमें मैंने क्या याद किया था। फिर जब आप सोच सोच के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट बताते हो ना तब आपको अपनी रियलिटी का अंदाजा होता है। तो मैं कहता हूँ आईसीआई का एग्जाम देके ही क्यों रियलिटी देखनी है, आईसीआई का एग्जाम देके ही रियलिटी क्यों देखनी है, घर बैठे रियलिटी देखो ना। मम्मी पापा को दे दो अपनी किताब और बोलो उनको ये रही हेडिंग ये रे आंसर, ये रे हेडिंग ये रे आंसर, ये रे क्वेश्चन ये रे आंसर, पूछो हमसे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली और फिर देखो क्या तुम जवाब दे पाते हो नहीं दे पाते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हो गया क्या सर शॉर्टकट्स। तो एक टाइप के बच्चे ये हैं जो शॉर्टकट वे अपनाते हैं और इनकी नैया फिर पार नहीं हो पाती। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, ये बच्चे पता है क्या करते हैं, ये करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज्यादा ध्यान लगा देंगे और कुछ सब्जेक्ट में बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं, यानी टू मच एफर्ट्स इन वन एरिया, यानी किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाएंगे, मान लो अकाउंट्स पकड़ के बैठ गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पकड़ के बैठ गए, इनको मजा आया जा रहा है तो यही करे जा रहे हैं, इसी चीज को करे जा रहे हैं, या फिर इनको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो दो दो दिन तीन तीन दिन उसी चीज में लगे हुए हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो भाई एक बात सुन लो, सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज ना 100 नंबर है, सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज 100 नंबर है। अगर किसी एक सब्जेक्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करके एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे ना तो पास कैसे हो पाओगे तुम? तो एक बात यह देख लेना,
मैनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन ओवर एनालिसिस, वो ओवर एनालिसिस करते हैं, एंड ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। इसका क्या मतलब है, अगर आप एक ही चीज पे अटक के रह जाओगे ना तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और जो पैरालाइज्ड बंदा है वो भी यही करता है, वो भी एक ही चीज पे अटका रहता है, वो कुछ और नहीं कर पाता। तो ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। इट इज गुड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, बट इतना भी डीप मत चले जाओ कि एक ही चीज पे फोकस करते रह जाओ और बाकी चीजें छूट जाए। तो मैं कहूंगा ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये बात अभी के लिए बता रहा हूं। तो कई जगह ऐसा लगेगा आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज हमको क्लियर नहीं हो रही, हमने जितने एफर्ट्स कर लिए नहीं हो पा रही, तो मैं कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है, उसका रट्टा लगाओ और आगे बढ़ो, उसका रट्टा लगा के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कई सारे बच्चे क्रिटिसाइज करेंगे कि रट्टा लगाने को बोल रहा है, तो भाई क्या हो गया, 50 में से अगर मैंने 49 चीजें समझ रखी है, एक चीज का रट्टा लगा रखा है, तो क्या हो गया, मैं अकेला थोड़ी, कई सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो है कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली मैं आपको बात बता रहा हूं, कई लोग बताते नहीं है, हिपोक्रिट्स होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ये बात मेरी सुन लो, ऐसा समझो आपको कोई भड़ा भाई बता रहा है। ठीक है, अगली चीज, एडिक्वेट टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, इट इज ओके अगर वो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम चीजें टाइम लेती है, फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, बट अगर आप सब्सिक्वेंट रिविजन्स में भी फिर किसी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की बात है, या तो आपने उसको फर्स्ट टाइम ठीक से नहीं किया था, या फिर आप अभी भी उस पर बेमतलब में ज्यादा टाइम लगाए जा रहे हो जितना उस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। तो याद रखना इस चीज को। एंड लास्ट में मैं आपको एक बात बोलूंगा, एवरी सब्जेक्ट, ये क्या हो जाता है बार बार, एवरी सब्जेक्ट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एज ऑल कवर 100 मार्क्स। मैंने देखा कई सारे बच्चे ना कई सारे सब्जेक्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, और उसी उन्हीं सब्जेक्ट्स में मोस्टली की नैया डूब जाती है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ऑडिट होता है, लॉ होता है, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो उसमें EISSM होता है, उसमें भी अगेन ऑडिट होता है। तो इन सब्जेक्ट्स को ना आपको एडिक्वेट समय देना पड़ेगा। देखो, अगर जैसे आप अकाउंट्स को देते हो, FM को देते हो, कॉस्टिंग को देते हो, जब आप इनको सारा समय दे देते हो, तो उस तरह से आपको अच्छा जो व्यवहार है इन सब्जेक्ट के साथ भी करना पड़ेगा। जितना आप इनको रिस्पेक्ट करोगे उतना ही ये आपको रिस्पेक्ट करेंगे एग्जाम्स में। तो मैं अल्टीमेटली आपको एक बात बोलूं, यू नीड टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज आठों पेपर क्लियर करोगे तभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो माय लर्निंग, अगर मैं आपको अपनी लर्निंग बताऊं तो मैं एक बात बोलूंगा, अपना प्रिपरेशन इस तरह से करो, अपना प्रिपरेशन इस तरह से करो दैट द रिविजन इन 1.5 डेज इज पॉसिबल, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप लास्ट के 1.5 डेज में करते हो ना, वही आपको याद रहता है और वही आप एग्जाम में परफॉर्म करके आ पाते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल डू वेल एंड क्लियर योर एग्जाम्स विद अ ग्रेट मार्क्स। तो चलो इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहो और आपको इस तरह की वीडियोज मिलेंगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो जरूर लाइक करना वीडियो को, अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो भी सीए कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हो, और इस वीडियो में आपको क्या मजेदार चीज सीखने को मिली उसको कमेंट जरूर करना, बिकॉज वो चीज आपको हमेशा याद रहने वाली है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए।